أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं सारे अहलुल कुरान? अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग टू कंप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला। आज हम फिर एक खूबसूरत महफिल में हाजिर हुए हैं। हर रोज अल्लाह की नेमत का एक खूबसूरत दिन होता है और हर रोज जाग के ये एहसास होता है कि अल्लाह सुभान व तआला इतना रहमान है, इतना रहीम है कि उसने मुझे एक और मौका दिया है कि मैं उसके आगे तौबा करूं, गिर गिराऊं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगूं और फिर एक नई इब्तिदा करूं। और आज सुबह ही जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो एक बहुत खूबसूरत मैसेज जो मेरी नज़र से गुजरा कि वाहिद अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो बंदा कितना ही गंदा हो जाए, गुनाहों में लिथड़ा हुआ हो जाए, एक एक चप्पा हमारा गुनाह से भर जाए, इतनी कालक हो जाए कि धोने से ना धुले, लेकिन जब वो गंदा मैला कुचैला बंदा, जब वो गंदा मैला कुचैला दिल अल्लाह के आगे रोता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, तो वो ज़ात कितनी रहमान और रहीम है कि फिर से उसको मौका देती है और उसे माफ़ कर देती है। उससे ज़्यादा रहमान और उससे ज़्यादा रहीम कौन हो सकता है। और ये मौके हैं अल्लाह के जो अल्लाह हमें बार बार देता है और बार बार उसका नाम लेने वाली महफिलों का हिस्सा बनाता है। यकीन जाने ये तौफीक बहुत कम लोगों को हासिल होती है। बहुत से लोगों को इन्विटेशंस जाते हैं, बहुत से लोगों को कहा जाता है, लेकिन हमें दुनिया की प्रायोरिटीज़ और दुनिया की चीज़ें इतनी अहम लग रही होती हैं कि हम इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं कर पाते। या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशों में मुब्तला कर देता है कि इंसान चाह के भी अल्लाह की महफिल में नहीं आ सकता। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तहे दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, वी डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू अल्लाह सुभान व तआला जिसने हमें एक नया दिन दिया, एक नया मौका दिया कि हम उसके हजूर हाजिर हों, तौबा करें, अपनी माओं से मिलें, उनके बारे में जानें और खुद को उनकी तरह बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। जब सेशन और ये सीरीज शुरू हुई तो मुझे लगा कि हाँ एक नई चीज़ है, हम लोग इंशाल्लाह लर्न करेंगे, लेकिन जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, अपनी माओ के बारे में जानते जा रहे हैं, तो हर माँ एक गोहरे नायाब है, हर माँ का रोल इतना इम्पोर्टेंट है और हर माँ इतनी मुनफरद है जो हमें बताती है कि हर इंसान, हर अल्लाह का बंदे का अपना रोल है, अपना कैरेक्टर है और वो उस रोल में कैसे फिट हो रहा है ये अल्लाह ही जानता है और कैसे अल्लाह हमें डिफरेंट एंगल्स में तौफीक देता है। जैसे कुछ लोग बहुत इबादतों में आगे होते हैं, कुछ लोग खिदमत खल्क में आगे होते हैं, कुछ लोग लोगों की मदद करते हैं, कुछ लोग तबलीग का काम करते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, तो हर बंदे की अपनी इम्पोर्टेंस है। इसी तरह हमारी अजवाज वो खुशनसीब औरतें हैं जिन्हें अल्लाह सुभान व तआला ने हमारी माएँ बना दिया और कुरान मजीद भी इसकी बारहा गवाही देता है, जिनके फजाइल और खसाइल बेशुमार हैं और अहदीस मुख्तलिफ हमें मिलती हैं जो इस बात की दलालत देती हैं। और आज हम अपनी जिस माँ को जानेंगे उनका नाम है हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, जो के बहुत पाकबाज थी, जो के बहुत इबादत गुजार थी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट वस जो उनकी शख्सियत का था कि वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार और रोज़े रखने वाली थी। आइए आज की नशिस्त का बाकायदा आगाज करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यसिर ली अमरी वहलुल उक्दतम मिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली
Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inni as'aluka ilman na'fiyan wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Amin ya rabbul alamin. नाम हफ्सा, और कोई जानता है कि ये किसकी बेटी थी? बड़े इंपॉर्टेंट सहाबी, ऐसे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, और मैं 100% श्योर हूं कि इस महफिल में बैठे हुए तमाम लोग उनसे नाम उनके नाम से वाकिफ हैं। हजरत उमर बिन खताब, उमर बिन खताब की बेटी थी। किसकी बेटी थी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी। तो वालिद का नाम उमर, वालिदा का नाम था जैनब, और दादा का नाम था खत्ताब। तो कितनी इंपॉर्टेंट थी और कितने इंपॉर्टेंट सहाबी की बेटी थी। हमारे खुल्फाए राशिदीन में से थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, और उनकी बेटी थी ये, उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। और उस जमाने में, जमाने जहालियत में, जब औरतों को जिंदा दरकोर कर दिया जाता था, बच्ची पैदा होती थी तो उसी वक्त उसको दफना दिया जाता था, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त भी इनको नहीं दफनाया था। ये उनकी सबसे चहेती बेटी थी। और जो बड़ा बच्चा होता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होता है। माँ या बाप दोनों में से किसी का भी ज्यादा असर वो ले लेता है। तो कहा जाता है कि ये ऐसी थी के बिल्कुल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की फोटोस्टेट कॉपी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का कैरेक्टर जितने लोग जानते हैं कि वो दीन के बहुत पाबंद थे, सख्ती से दीन फॉलो करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी हुक्म या जो भी बात उन्हें बताते थे, वो पत्थर पे लकीर होती थी। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको फॉलो करना ही होता था। तो सोचिए कि उनकी बेटी दीन की कितनी पाबंद हो। और एक बहुत मजे की बात कि इन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से पहले इस्लाम कबूल किया था। ये साबिकूनुल अव्वलून में से हैं, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? इनके पहले शौहर को। हफ्जा बिनते उमर बिन खताब, इनका नसब नामा देखते हैं। हफ्जा बिनते उमर बिन खताब बिन नफेल बिन अब्दुल उजा बिन रिया बिन अब्दुल्ला बिन कर्त बिन जरा बिन अदी बिन काब बिन लुई बिन गालिब अदवी और कुरैशी खानदान से ये थी। वालिदा की तरफ से इनका नसब नामा है जैनब बिनते मज़ऊन बिन हबीब बिन वाहब बिन खुजाफा बिन जमी। इनकी वालिदा भी सहाबिया में से हैं, और इनके भाई और भाप भी सहाबी हैं। ये पूरा खानदान साबिकीन अव्वलीन और महाजरीन इस्लाम पे मुश्तमिल है। यानी इनका घराना ऐसा था जो सब दीन को फॉलो करने वाले, अल्लाह की राह में लड़ने वाले और पेश पेश दीन के राह में रहने वाले थे। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 5 साल कबल हुई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत आने से 5 साल पहले इनकी विलादत हुई। इस हिसाब से वो उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 35 साल छोटी थी। और अपने सगे भाई हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से 6 साल बड़ी थी। इनकी तरबियत खालिस कुरैशी अशराफ के माहौल में हुई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिच पीपल में आते थे, उन लोगों में आते थे जो उस वक्त के प्रोमिनेंट लोग या उस वक्त के अशराफ, पॉपुलर मालदार लोग। तो इनकी तरबियत खालिस कुरैशी अशराफ के माहौल में हुई। वालिद मोहतरम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरैशी अकाबिर में से थे, यानी बड़े लोगों में से थे।
और बहुत से मनसब यानी चीजें वो हैंडल करते थे डिफरेंट, जैसे आजकल हम कहें ना कि बड़े ओहदे पे हैं और बहुत सी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं, सेम यही बात होगी। बहुत ज्यादा इनको अच्छी तालीम दी गई, पढ़ी लिखी थी, पढ़ना और लिखना ये जानती थी, और इस्लाम लाने के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा इस्लाम के लिए काम किया। ये उन अजवाज में से हैं जो पढ़ी लिखी थी, जो हाफिज़े कुरान थी, जो बेहतरीन किरात करने वाली थी, जो बेहतरीन मसाइल बयान करने वाली थी और बहुत इंटेलिजेंट थी। हफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने से पहले हजरत खुनैस बिन हुज़ाफ़ा बिन अदी बिन साद बिन सहम बिन अमर बिन हसीस बिन काब बिन लुवई के निकाह में थी, यानी कि इनकी पहले शादी हो चुकी थी और इनके शोहर का नाम था हजरत खुनैस, और ये बदरी सहाबा में से हैं, यानी वो सहाबी जो बदर की जंग में गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये वहीं पे शहीद हुए, कुछ लोगों ने कहा कि उसके बाद जख्मों की ताप ना ला सके और ये शहीद हो गए, और ये उन पहले लोगों में से हैं जो जिन्होंने फौरन इस्लाम कबूल किया। कुछ रिवायतों से पता चलता है कि ये उन पहले 20 लोगों में से हैं जो इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इनके इस्लाम कबूल करने की वजह से हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद से पहले इस्लाम लिया। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी उनकी जिंदगी में अपने शौहर की, और कितनी सोचे कि वो अतात गुजार थी कि उन्होंने कोई बात नहीं की और उनकी बात मान ली। इनके शोहर हजरत खुनैस रजी अल्लाह ताला अन्हा कदीमुल इस्लाम सहाबी थे और हिजरत हबशा और हिजरत मदीना के शर्फ से मुमताज थे, यानी इनके शोहर को दो हिजरतों की फजीलत मिली थी। हिजरत हबशा भी उन्होंने की थी और मदीना में जब हिजरत हुई थी वो भी उन्होंने की थी। ये इन लोगों में से थे जो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो की तरगीब से इस्लाम लाए थे। ये शादी हिजरत नबी से कबल हुई थी, बाद में वो अपने शोहर के साथ मदीना तशरीफ लाई और करीब करीब 2-3 बरस इनके घर में गुजारे। जब 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी में गजवाए बदर पेश आया जो हक व बातिल का पहला मार्का आ रही थी, इसमें हजरत खुनैस रजी अल्लाह अन्हो भी जज्बा जहाद से सरशार होकर इस गजबे में शरीक हुए। इनके पेश नजर अल्लाह ताला की रजा थी, यानी उनकी नजर क्या थी कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और कुछ भी। और आज हमारी नजरें किस पे होती हैं? पूरी दुनिया मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला तो हो ही जाएंगे क्योंकि वो गफूर रहीम है, वो तो हमें माफी कर देंगे। लेकिन जैसी नियत होगी वैसा ही आपको अजर मिलेगा। इनकी नजर किस पे थी कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए? और कहते हैं इन्होंने बड़े शान के साथ बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने जंग लड़ी और बदरी सहाबा में शामिल हो गए, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अहले बदर अब जो चाहो करो, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो गई है क्योंकि तुम्हारी मगफरत कर दी गई है। यानी दुनिया में ही उन्हें बिशारत हो गई थी कि आप जन्नत में जाएंगे। कितने नेक होंगे, कितने परहेजगार होंगे और दिल में कितना तकवा होगा, और ये उनकी बीवी थी। इसके बाद जब जंग हो गई तो कहा जाता है कि इनको बहुत ज्यादा गहरे जख्म आए। मुसलमानों की फतह के साथ लड़ाई खत्म हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबा के साथ 3 रोज तक मैदान बदर में कायम किया। 3 रोज के बाद लश्कर इस्लाम रसूल जो था वो नुसरत और फतह का परचम लहराता हुआ मरकज ईमान मदीना मुनवरा की तरफ रवाना हुआ। किसी को याद है कि जब जंगे बदर हुई थी, जब वापसी पे आ रहे थे, फतह हो गई थी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी दुख की खबर भी आई थी, उनकी बेटी की। जी, उनकी बेटी जो बहुत बीमार थी वो वफात पा गई थी। कहा जाता है कि जैसे ही न्यूज मिली थी कि बदर जो है उसमें फतह याबी, और वो किसकी बीवी थी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहो की बीवी थी। कहते हैं कि हजरत उस्मान ने इसलिए बदर में शिरकत नहीं की क्योंकि वो उनकी लुक आफ्टर कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ताकीद की थी कि तुम यहाँ रुको और इनका ख्याल करो, वो बहुत सख्त बीमार थी। और कहते हैं कि जब पता चला था कि बदर में फतह याबी हो गई है, उसी वक्त वो तब पता चला था जब वो उनकी तदफीन कर चुके थे।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, सब कुछ पैरेलल चल रहा है, लेकिन उनकी बेटी इतनी बीमार थी, करीबुल मर्ग थी, उनको पता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, उनके हस्बैंड को वो छोड़ गए कि तुम इनकी लुक आफ्टर करें, आप इनकी खैर ख्वाही करें, लेकिन खुद उन्होंने अपना मिशन छोड़ा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं खुद भी और हम लोग सारे, जरा सी कोई ऊंच नहीं चाहती है, हम तो टिपिकली छोटी चीजें ही नहीं कर सकते, बड़ी चीजें करना तो बहुत ही बड़ी बात है। एक रिवायत में आता है कि हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपने खावंद को जख्मी हालत में देखा तो उनकी बहादुरी और जवान मर्दी की सत्ताइश की, यानी कहा हाय हाय आपको क्या हो गया है, आप क्यों चले गए थे, आपको किसने कहा था कि आप जाएं, बल्कि जब इतनी जख्मी हालत में देखा, करीबुल मर्ग थे, तो उनकी सत्ताइश की और उन्होंने सूरह अनफाल की आयतें तिलावत की जिसका तर्जुमा है, और ये बात अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए बता दी कि तुम्हें खुशखबरी हो और तुम्हारे दिल में इससे मुतमईन हो जाएं, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ताला की तरफ से होती है, यकीनन अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत और हिकमत वाला है। ये हमें बताता है कि वो खुद भी बहुत बहादुर थी। मियाँ जख्मी हालत में आया है, इतने जख्म के करीबुल मर्ग थे, लेकिन क्या कह रही है, उनकी सताइश कर रही है, उनका हौसला बढ़ा रही है। और कहा जाता है कि इसके दो तीन दिनों बाद, चंद रोज बाद, जख्मों की ताप ना लाते हुए वो अल्लाह को प्यारे हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इनकी शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ी। कितना शर्फ है, कितना शर्फ, इनके पहले शोहर का हजरत हुनैस रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ी। बकरी अरकद में हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मामू हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन किया गया। इनको हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने खावंद की जुदाई पर बहुत ज्यादा गमजदा हूं, और सोचें कि इनकी उम्र कितनी थी, 19 साल की जवान लड़की। जब डेथ हो गई बहुत ज्यादा गमजदा हुई, जाहिर सी बात है, मोहब्बत करती थी, दोनों इस्लाम साथ लेकर आए, दोनों ने डिफरेंट सिचुएशंस साथ देखी इस, और फिर उन्होंने क्या किया, जाहिली रस्मों और बिदाद में नहीं पड़ी, बल्कि क्या किया, रोजा और नमाज और नफली इबादात से मदद ली। हम लोग किससे मदद लेते हैं, लोगों से। तो डेथ हो जाती है ना, सबसे पहले पता है क्या होता है, इतना रोना तो ना मना नहीं है, देखिए नेचुरली जब दुख होगा आंसू तो निकलेंगे, लेकिन चीखो पुकार करना, जोर जोर से चीखना, अपने आप को मारना, पीटना, अजीब अजीब तरह की बातें करना, ये सख्त प्रोहिबिटेड है। तो उस वक्त भी उन्होंने जाहिली रस्म और जो तरीके थे उसमें नहीं पड़ी, बल्कि रोजा नमाज और सब्र से अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। दो चीजें होती हैं जिसमें इंसान बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है, एक सख्त गम के मौके पे और एक सख्त खुशी के मौके पे। ये दो मौके होते हैं, इंसान कहता है बस आज जी आ जाए, कल तो हो ना, तो मैं आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, और लोग करते हैं, आज तो खुश हो जाऊं, या गम में होंगे तो क्या, हमें तो होश ही नहीं रही, क्यों होश नहीं रही, अल्लाह सुभान व तआला ने हमें इस्लाम दिया है, बींग मुस्लिम्स हम कभी भी बेहोशी के या इतने गम की हालत में हो ही नहीं सकते, क्योंकि मायूसी कुफर है। जब अल्लाह ने मुझे तौफीक नहीं दी थी और मेरी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ था और सोच बहुत मुख्तलिफ थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरा जो भी प्यारे चले जाएंगे मैं तो जिंदा ही नहीं रह सकूंगी। होता है ना, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, कभी आप सोचें कि वो जिंदगी में आपके नहीं रहेंगे, तो ऐसे लगता है ना सांस नहीं आ रही, वी कैन नॉट लिव। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बहुत से प्यारे जिंदगी से एग्जिट होते जाते हैं, लेकिन आप फिर भी जिंदा होते हैं, आप सारे काम कर रहे होते हैं, तो क्यों जिंदा रहते हैं और क्यों पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए कि हमारा ये यकीन पुख्ता होना चाहिए कि ये दुनिया टेम्पररी है, हमें वहां पे मिलना है, हमें अल्लाह के आगे हाजिर होना है, और इंशाल्लाह अगर हम अच्छे काम करेंगे और अगर अल्लाह ने चाहा और हमारे काम भी ऐसे हुए तो हम जन्नत में जाएंगे और वहां पे हमेशा इकट्ठे रहेंगे। और ये इतनी बड़ी होप है जो जिसको मुसलमान को अगर यकीन हो जाए तो वो बड़े बड़े काम करता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमने देखा जब हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा चली गई कैसे वो गमजदा हुए, लेकिन काम नहीं छूटे,
सब काम जारी रहे। और बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है, हमारी माँ ने हमें क्या सिखाया है, दुख सुख का साथ ही चला गया। कहते हैं ना, बहुत करीब होता है शोहर का रिश्ता, चला गया क्या करती, बैन करती, आहो पुकार करती, अल्लाह से गिले करती। तो उन्होंने किससे मदद ली, सबर से, नमाज से, नफली इबादात से। और ये इनकी शख्सियत का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा इबादत गुजार थी। और आगे आप देखेंगे कि इनकी इबादत की कसम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इतनी इबादत करती थी। 20 साल की उम्र में हजरत हफ्जा रजी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई। जब इद्दत से फारिग हो चुकी तो इनके वालिद कौन थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इनकी दूसरी शादी की फिक्र हो गई। वालिद थे, जवान थी, फिक्र हुई, सख्त फिक्र हुई। कहते हैं जब इनको फिक्र हुई तो उस वक्त किसकी डेथ हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो थे वो भी इसी हालत में थे। उनकी बीवी की डेथ हुई, इनके दामाद की डेथ हुई, तो इनके जहन में फौरन ख्याल हुआ आया कि शायद अगर ऐसा हो जाए कि हफ्सा की शादी उस्मान से हो जाए तो कितना ही अच्छा हो, जैसे बड़े सोचते हैं। तो अब आगे देखिएगा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया हमें पता चलता है रिवायतों से। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कह रहे हैं कि मैं उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया। इस वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया मोहतरमा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल कर चुकी थी, यानी उनकी डेथ हो चुकी थी, और इनकी बेटी भी इद्दत से फारिग हो चुकी थी, और इनको निकाह की पेशकश की। उनके पास आए और कहा कि आप मेरी बेटी से निकाह करें। आज अगर कोई बाप किसी के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाए, कितनी मायूब बात समझी जाती है। बाप रिश्ता लेके गया था, जरूर कोई ऐब होगा, ये आप बोलते हैं ना लोग, जरूर कुछ तो गड़बड़ होगी जो वो रिश्ता लेकर आए तुम्हारे पास कि बेटी से शादी कर लो। मुझे पता है सीरत पर पढ़ के क्या लगता है कि जाहिल तो हम हैं, वो लोग तो हमसे ज्यादा सेंसेस में थे, जैसे कोई बेवा हुई फौरन उसकी शादी करवा देते थे, ये नहीं देखते रहते थे कि बैठे रहे तलाक हुई फौरन शादी करा दो, बेवा हुई फौरन शादी करा दो। और बड़े लोग स्टेप रहते थे, यहाँ तो शादी नहीं होने देते, या तो इर्द गिर्द के लोग नहीं होने देते, या बच्चे नहीं होने देते, हम दूसरा बाप या दूसरी माँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों, जो रह गया है दुनिया में क्या उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, क्या उसको खुश रहने का हक नहीं है, और गलत काम वो चुप चुपे करता रहे वो हम सबको मंजूर है, लेकिन सही रिश्ते में वो ना जाए वो हमें मंजूर नहीं है। तो गए, और हजरत उमर और हजरत उस्मान बेस्ट फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं ना ये हमारे एज फेलोज है या हमारे फ्रेंड सर्कल है, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि रिश्ता कर लें। वो कहने लगे मैं इस बारे में गौर और फिक्र करके बताऊंगा। चंद रोज गुजरे, उन्होंने कहा ठीक है, आप सोचें, अब जाहिर बात तो कर दी थी तो इनके दिल में भी कुछ था कि बता नहीं रहे। कुछ रोज गुजरे, वो गए तो कहते हैं जैसे ही हजरत उस्मान ने देखा कि हजरत उमर आ रहे हैं, फौरन उन्होंने नमाज शुरू कर दी। तो कहते हैं मुझे इतना अजीब लगा, इन्होंने मुझे देख लिया है कि आ भी रहा हूं तो इसने नमाज शुरू कर दी है, क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते थे, वो बात को टालना चाहते थे। अब दोस्त है, अब कह भी नहीं सकते डायरेक्टली कुछ, तो नमाज शुरू कर दी। हजरत उमर थे, वो भी बैठे रहे, जब तक उन्होंने नमाज नहीं खत्म की वो भी टस से मस नहीं हुए। जब नमाज खत्म कर ली तो उन्होंने कहा मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, तो उन्होंने कहा मैं भी शादी का इरादा नहीं रखता। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की पर्सनैलिटी ऐसी है, वो गुस्से में थोड़े से तेज थे तो उन्हें बुरी लगी बात, चुप हो गए, वहां से चले गए। वहां से गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए, वहां गए और जाके अपनी बेटी हफ्सा को उनके उक्त में देने का, उनसे निकाह कराने की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की पर्सनैलिटी नरम थी, तहम्मुल मिजाज थे, फौरन रिप्लाई नहीं करते थे। उन्होंने कहा, वो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और बिल्कुल खामोश हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत बुरा लगा और ज्यादा गुस्सा उन्हें हजरत अबू बकर पे आ गया कि उस्मान को मैंने कहा, उसने कहा मैं भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, चलो हो सकता है वो ना हो, लेकिन अबू बकर ने तो आगे से कुछ बोला ही नहीं, मेरी बेटी में क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद जा रहा हूँ, ये मेरे दोस्त है, ये कहते हैं हम आपके भाई हैं, और मैं इनको कह रहा हूँ कि निकाह कर ले, कोई मेरी बेटी से निकाह नहीं करना चाहता। और दिल बड़ा बुरा हुआ जब मैं ये पढ़ रही थी ना, मुझे याद आया
थोड़े से पहले की बात है, तो मेरी अम्मी अल्लाह जिंदगी दे, किसी ने मुझे कोई बात बताई, कोई ऐसी बात थी जो कि नहीं इतनी थी, और साथ ही बताया कि तुम्हारी अम्मी को तो पता है, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया। मैंने कहा नहीं। तो आगे से उस बंदे ने मुझे कहा कि तुम तो कहती हो तुम्हारी अम्मी तुम्हें सारी बातें बताती हैं, तो उन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं बताई, और मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कहा अम्मी को देखो कैसे इन्हें सारा कुछ पता होता, बताती नहीं है। और मैं फिर आई, मैंने अम्मी से थोड़ी थोड़ी बात की, फिर भी नहीं बताया। है जब उन्होंने नहीं बताया तो मैं भी फिर पक्की बन गई, मैंने कहा मैं भी नहीं बताऊंगी कि मुझे भी बताया। लेकिन थोड़े से बाद जब बात खुली तो पता चला कि बात कोई भी जब किसी के पास आती हो, जब कोई ये कह देता है कि नहीं बताना, तो इमानत हो जाती है। लेकिन मैंने अपनी माँ से ये सीखा कि इमानत में खयानत नहीं करनी, चाहे क्लोजली कोई भी हो। अभी इस बात का इससे रिलेशन कैसे है ये मांगे देखते हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये देखो मैंने उस्मान को कहा, उन्होंने भी नहीं किया, मैंने अबू बकर को कहा, उन्होंने भी नहीं किया। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और शिकायत लगाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्हें कहने लगे कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, मैंने उस्मान से कहा कि हफ्सा से निकाह कर लो, उन्होंने कहा मैं शादी के तैयार नहीं हूँ। और अबू बकर के पास गए, उन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि हफ्सा रजी अल्लाह ताला अनहा का निकाह ऐसे शख्स से होगा जो उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला अनहो से बेहतर होगा, और उस्मान को ऐसी बीवी मिलेगी जो हफ्सा से बेहतर होगी। ठीक। तो हजरत हफ्सा का निकाह इसके बाद किससे हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहो के निकाह किससे हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अनहा से। और बात करने का तरीका देखें कितना खूबसूरत है। हफ्सा रजी अल्लाह ताला अनहा का निकाह ऐसे शख्स से होगा जो उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला अनहो से बेहतर होगा, और उस्मान को ऐसी बीवी मिलेगी जो हफ्सा से बेहतर होगी। किसी की बुराई नहीं, कोई बात ऐसी वैसी नहीं। ये बात सुन के वो बड़े खुश हो गए और वापस चले गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम जब उनको दिया तो इतने खुश हुए और सोचने का तो जवाब ही नहीं था, उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह ये रिश्ता पक्का हो गया। और अब सुनिए कि जो मैंने आपको बात बताई थी वो कैसे रिलेट करती है। कि जब ये निकाह पक्का हो गया, उसके बाद हजरत उस्मान और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो आप उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और कहने लगे आप हमसे नाराज हैं? उनका हाँ, मैं सख्त नाराज हूँ, आप दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा हमें पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत हफ्सा से होगा, लेकिन हमने इस बात को राज रखना था, हमें अलाउ नहीं था कि हम बताएं, आप प्लीज हमसे नाराज ना। कहते हैं जब ये बात हुई तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों पर ये पता चला, उनको ये पता चला कि क्या रुतबा है हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हों का, कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कितने वफादार हैं, कितने खैर ख्वाह हैं और कितने राजों के अमीन हैं। हम कहते हैं ना वो नाराज हो रहा था इसलिए मैंने बता दिया था। नाराजगी तो हुई, दिल भी बुरा हुआ, लेकिन हर चीज में कोई मसलहत होती। और ये जब मैं पढ़ रही थी और मुझे वो वाला वाकया याद आया तो मैंने कहा वाकई हर चीज का एक वक्त होता है और बहुत से राज मसलहतन नहीं बताने चाहिए। और जब हम वफादार होंगे किसी के राजों पे पर्दा रखेंगे तो इंशाल्लाह उस दिन जब सब कुछ खुल जाएगा अल्लाह इंशाल्लाह हमारी इज्जतों पे भी हमारे पर्दे रखेगा। और जब ये बहुत खुशी की खबर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को मिली तो उन्होंने कहा, सूरह नमल की आयत पढ़ी, ये सिर्फ मेरे रब का फजल है, मुझे आजमाता है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या ना शुक्री करता हूँ। जिसने अल्लाह का शुक्र अदा किया हकीकत में वो अपना शुक्रिया अदा करता है, और जो ना शुक्री करता है अल्लाह ताला बहुत बेनियाज और बड़ा मेहरबान है। हमें कोई नेमत मिलती है ये किसका फजल है? सही बात है, हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन, हमारा उसमें रत्ती बराबर भी कोई काम नहीं है या हम इस काबिल भी नहीं है। अगर हमें कोई नेमत मिलती है खालिस्तन अल्लाह का शुक्र अदा किया करें,
कभी भी प्राउड ना हो, कभी भी कहें कि मेरी क्वालिटी थी या मेरी वजह से ये काम हुआ था। नहीं, ये खालिस्तन मेरे अल्लाह का करम था जिसने मेरी इज्जत बरकरार रखी, जिसने मुझ पे अपना फजल किया। हजरत हफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पहले खाना नबूवत में कितनी अजवाज थी? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की डेथ हो चुकी थी, फिर कौन आई थी? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा और फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, यानी दो बीवियां थीं। और फिर तीसरी कौन आई? हजरत हफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इब्ने इसहाक की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हजरत हफ्जा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। और इससे पहले हजरत हफ्जा जो थी हजरत खुनैस बिन हजाफा सहमी रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजियत में थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद इस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 20 या 21 साल। पहली बीवी थी हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, फिर थी हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, फिर थी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अबाई हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और इनका हक महर कितना था? और ये वाला जो हक महर है ये तो याद कर ले, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये हक महर टेस्ट में भी गलत लिखा था, 10, 11, 12 से आप लोग कन्फ्यूज हो गए थे। ज्यादातर अजवाज का हक महर था 12 उकिया और 1 निश। कुछ लोगों ने 11 पे क्लिक किया हुआ था, कुछ ने 10 पे, तो ज्यादातर का था 12 उकिया। और इसकी अमाउंट क्या बनती थी? 500 दिरहम। ये मुबारक शादी सन 3 हिजरी में हुई थी। अब हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप देखें जब आप सल्लल्लाहु हजरत सौदा का जब हमने पढ़ा था कैरेक्टर, तो वो बड़ी सेल्फलेस थी, वो बड़ी इजी थी। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी चहीती थी ना, उनसे बहुत प्यार करते थे। अब आ गई हजरत हफ्सा, तो अब क्या था कि अब तो थोड़ी सी आपस में कुछ चीजें शुरू हुई। अब वो क्यों शुरू हुई? क्योंकि सब चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनसे हम क्लोज हो, उनसे क्लोजनेस चाहते थे। और नेचुरली अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स को ऐसा बनाया है कि कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नेचुरली फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं ऐसी कि ये मेरे साथ ज्यादा करें, ये मेरे साथ, और इसके लिए ये एफर्ट करती थी। हजरत सौदा का तो कैरेक्टर ही इतना सेल्फलेस था, वो एक बड़े कहते हैं समझदार फिगर है। लेकिन हजरत आयशा वो छोटी सी थी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली थी। और फिर आ गई हजरत हफ्सा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को बड़ी अहमियत देते थे, दिलो जान से उसकी तामील करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनूदी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। और जब उनकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई हजरत हफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तो देखिएगा कि हजरत आयशा है वो किसकी बेटी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, बेस्ट फ्रेंड। हजरत हफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, बेस्ट फ्रेंड। दोनों बापों से बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती और दोनों की बेटियों से शादी। हजरत उमर से मनकूल है कि हम लोग जमाना जहालियत में औरतों को कोई अहमियत नहीं देते थे, यहाँ तक कि कुरान में इनके कंदरों मंजिलत के मुतालिक आयात नाजिल हुई। एक रोज मेरी बीवी ने किसी मामले में मुझे कोई मशवरा दिया कि अगर आप इस तरह कर लें तो ठीक है। मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम कौन होती हो मुझे राय देने वाली? तो हजरत उमर की बीवी ने क्या कहा? इब्ने खताब, मुझे ताजुब है तुमको मेरी ये छोटी सी बात नागवार गुजरी है, हालांकि तुम्हारी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरार और बराबर का जवाब देती है, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन नाराज रहते हैं। औरतों की कोई हैसियत नहीं थी। और इनकी बीवी ने, हजरत उमर की बीवी ने उनको मशवरा दिया, तो आगे से उन्होंने कहा तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम मुझे मशवरा दे रही हो? तो बीवी ने क्या कहा? मैंने तो ये मशवरा किया लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब है कि तुम्हारी अपनी बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस और तकरार करती है, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा रहते हैं। ये सुनना था हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ और बहुत रंज हुआ, कंधे पे चादर डाली, चेहरे पे गुस्से के आसार नुमाया थे। इस हालत में हजरत हफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और गरजदार आवाज में, क्या वाकई ये सच है कि तुमने किसी मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरार की है, और वो कौन, और वो सारा दिन नाराज रहे हैं?
सईदा हफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बेसाख्ता जवाब दिया, थी तो बेटी उन्हीं की। हाँ अब्बा जान, अल्लाह की कसम हम सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरार करती हैं और उम्मुल मोमिनीन आयशा भी। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो गजबनाक हुए और सख्त लहजे में कहा, ए हफ्सा, मैं तुझे अल्लाह सुबहानो ताला के अजाब और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गजब से डराता हूँ। याद रखना, तुम में से जिसने भी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सलूक किया वो यकीनन नुकसान उठाएगी। क्या तुम्हें इस बात का जरा एहसास नहीं कि अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी पर नाराज हो जाता है? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मामले में तकरार ना करना, अपने मकाम और मर्तबे को पहचानो। और हाँ, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हम पल्ला बनने की कोशिश ना करना, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इनकी बड़ी कदर और कीमत है। इनके बाप को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और अपना खैर ख्वाह ख्याल करते हैं। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये बातें सुनकर खामोश हो गईं और वालिद माजिद की नसीहत को मताए अजीज जानते हुए, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब एहतराम को मलहूज रखते हुए, हर बात को गौर से सुनने और इन पर अमल करने का अहद कर लिया। कहते हैं ना, पीछे से अच्छी ट्रेनिंग हो तो घर आबाद रहते हैं, लेकिन पीछे से ट्रेनिंग बुरी हो तो घर बस नहीं सकते। और कौन समझा रहा है? हमेशा हम देखते हैं कि माँ समझा रही है, माँ समझा रही है, माँ समझा रही है, यहाँ तो बाप समझा रहा है। क्या कह रहा है? तुम्हारा अपना मकाम है, तुम्हारा अपना मर्तबा है, तुम इस बात को समझो और आयशा से मुकाबला ना करो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक हदीस के मुताबिक पूछा गया था कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन है, तो आपने कहा था सदीक से, और कहा फिर किससे? सदीका से, यानी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। तो कहा उन्हें मुकाबले पे मत आना वरना जाओगी। क्या आज हम लोग मुकाबले करते हैं? और मुकाबले किससे कर रहे होते हैं? जरा देखिए, आजकल दो शादियों का रिवाज तो है ही नहीं इस जहाँ पे हम रह रहे हैं, इस रीजन में तो खैर नहीं है। माँ से उसकी, अल्लाह अल्लाह के बंदों, वो उसकी माँ है, उसने उस बंदे को पैदा किया है। अगर उसकी माँ ने पैदा ही ना किया होता, वो बंदा ही ना होता, तुम किससे शादी करती? तुम किससे मुकाबला करी? उसकी माँ से। और क्यों कर रही हो? तुम बीवी हो, तुम्हारा मकाम अलग है, वो माँ है, उसका मकाम अलग है, उसके पाँव के नीचे तुम्हारे शौहर की जन्नत है, क्यों उसको जन्नत दूर करने की कोशिश कर रहे हो? गलत ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही? और अभी आगे से क्या कहते हैं? वो एक जवाब देता, तुम 10 जवाब दो, तुम क्यों चुप करके खड़ी होती? तुम्हारे मुंह में जबान ही है, ये मैंने खुद सुना है। लेकिन अच्छी माएं क्या कहती हैं? खामोश, अपना मकाम, अपना रुतबा पहचानो, उसके लिए स्ट्रगल करो, लेकिन किसी से मुकाबलाबाजी ना करो। हजरत उमा की सही रिवायत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक तलाक दी थी, फिर इनसे रुजू कर लिया था। हदीस के अल्फाज हैं, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रजी अल्लाह ताला दी, फिर आपने इनसे रुजू भी कर लिया। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दी तो हुक्म हुआ कि इनसे रुजू कर लें, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुजू कर लिया। अब किस बात पे तलाक दी गई थी, क्या वाकई तलाक हुई थी या सिर्फ कहा था या सिर्फ इरादा किया था, इसमें बहुत इख्तलाफ है, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अगली बात है, जरा इस पे गौर करिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक देने का इरादा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। देखो जरा, जब बंदा कुछ ना कुछ कर रहा होता है ना, अल्लाह से कुर्ब होता है, कोई ना कोई कनेक्शन होता है, तो फरिश्ते आते हैं गवाही देने के लिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आप इन्हें तलाक ना दें, वो बकसरत रोजे रखने वाली और तहज्जुद गुजार खातून है और जन्नत में आपकी बीवी होंगी। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो थोड़ी तेज मिजाज की थी। क्यों थी? क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो भी ऐसे थे, और कहते फोटो स्टेट थी तो थोड़ी सी थी। और ये और हजरत आयशा, ये आपस में ना लगी रहती थी, दोनों कमसिन भी थी,
दोनों का जोड़ भी था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठी चीज और शहद बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज से फारिग होते तो क्या करते थे? एक्सेलेंट, तमाम बीवियों के पास जाते थे और पूछते थे किसी चीज की जरूरत है। तमाम बीवियों को इक्वल टाइम देते थे, उसके बाद जाके उन्हें कोई चीज चाहिए थी देते थे, फिर जिस बीवी की बारी होती थी उसके पास रात गुजारते थे। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ये ज़ैनब बिन हजश रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास बहुत टाइम गुजारते हैं। ये दोनों बैठ गई, तुमने देखा है कि ये उनके पास बहुत टाइम गुजारते हैं? हजरत हफ्सा ने कहा हाँ, ये तो उनके पास बहुत टाइम गुजारते हैं। फिर उन्होंने प्लानिंग की, इन्होंने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो कहना कि अजीब सी कोई बू आ रही है आपके मुंह से, तो जब तुम्हारे पास आएंगे तुम भी कहना कि यार ये हमें चीजें क्या बताती हैं। इंसान इंसान ही है, चाहे वो कितना भी इतकवा के लेवल पे हो, लेकिन साथ साथ इंसानी चीजें इंसानी जज्बात चलते रहते हैं। हम सुपर ह्यूमन कभी नहीं हो सकते। सहरबाजी को अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे, मैंने हमेशा कहती थी सहरबाजी मैं कोशिश तो करती हूँ, बेहतर भी हो जाती हूँ, लेकिन तकवा का मैयार एक जैसा नहीं रहता। ईमान की हालत कभी बहुत हाई कभी लो, फिर भी बीच में कोई ना कोई ब्लंडर मैं कर देती हूँ। तो मुझे कहती थी तुम इंसान ही हो ना, फरिश्ता तो नहीं हो, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। और हमें अपनी माओ को देख के क्या पता चल रहा है, वो भी इंसान थी, उनके जज्बात थे। और औरत के दिल में जो फितरी जज्बात अल्लाह ताला ने डाले हैं वो ह्यूमन है, लेकिन उनको हमने पॉजिटिवली डील करना है। तो उन्होंने प्लान बना लिया, उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसे करेंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब बिनते हजश रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ देर ठहरते और शहद नोश फरमाते। उनके पास गिफ्ट आया बताया शहद, तो ठहरते तो वो कहते हैं कि आप शहद देके जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा पसंद था तो खाने में और पीने में थोड़ी सी देर हो जाती थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां मामूल से ज्यादा देर तक आपको ठहरने से रोकने के लिए ये उन्होंने बहाना निकाला। और इसमें जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तशरीफ लाएंगे, हम आपसे कहेंगे कि आपके मुंह से मगाफीर यानी एक बदबूदार फूल था उसकी स्मेल आती है। चुनाचे ऐसे ही हुआ, जब आप इन दोनों में से एक के पास गए तो उन्होंने वैसा ही कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया, मैंने तो ज़ैनब के घर से शहद पिया था, मैं ऐसा करता हूँ। फिर दूसरी के पास गए, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा अब मैं हरगिज शहद नहीं पी। तो क्या हुआ कि अल्लाह सुभान व तआला जो तमाम बातों का जानने वाला है, सूरह तहरीम की आयात नाज़िल हो गई जिसमें अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं ए नबी जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है इसे आप क्यों हराम करते हैं। देखिए नबी का मकाम क्या है, बहुत बड़ा है ना, लेकिन अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया है उसको नबी भी डिनाई नहीं कर सकते। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जिस चीज को मैंने हलाल कर दिया आप उसे हराम क्यों करते हैं? आप अपनी बीवियों को की खुशी चाहते हैं, अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कसमों का कुफारा अदा करने की सबल निकाल दी है। अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है और वही इल्म व हिकमत वाला है। और याद करो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से एक पोशीदा बात कही और इस बीवी ने इस बात की खबर आम कर दी तो अल्लाह ने अपने नबी को इससे आगाह कर दिया, तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी गुरेज कर गए। फिर जब नबी ने अपनी इस बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी इसकी खबर आपको किसने दी, सब जानने वाला पूरी खबर रखने वाला अल्लाह ने मुझे ये बात बताई है। उन्होंने अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर होगा, यकीनन तुम्हारा दिल हक से मायल हो गए। और अगर नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो यकीनन नबी का कारसाज अल्लाह है और जिब्राइल है और नेक अहले ईमान है और इनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। अगर वो नबी तुम्हें तलाक दे दे तो उम्मीद है कि बहुत जल्द इन्हें इनका रब तुम्हारे बदले तुमसे ज्यादा अच्छी बीवियां इनायत फरमाएगा जो मुसलमान होंगी, ईमान वाली होंगी, अतात गुजार होंगी, तौबा करने वाली होंगी, इबादत करने वाली होंगी, रोजे रखने वाली होंगी, शादीशुदा और कुंवारी होंगी। वार्निंग आ गई किससे के पास से, मेरे प्यारे अल्लाह।
कि तुम दोनों ने जो कर लिया है इसकी खबर अल्लाह ने दे दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब तुम्हें कह रहे हैं कि तौबा कर लो और बाज आ जाओ, लेकिन अगर फिर भी बाज नहीं आओगी तो तुम लोगों को तलाक दे दी जाएगी और तुम्हारी जगह और बीवियां आ जाएंगी। अब आते हैं आज हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। इसने ये कह दिया, मैंने शोहर ने ये कर दिया, अब मैं ये करूंगी, मेरे फलाने बंदे ने ये कर दिया, मैं इस तरह रिएक्ट करूंगी। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अच्छी बीवियां कैसी होती हैं, अतात गुजार, फर्मा बरदार, बात मानने वाली, रोजे रखने वाली, इज्जत के पर्दे रखने वाली, मियाँ को तंग ना करने वाली, मियाँ का साथ देने वाली। लेकिन आज हमारी वैल्यूज चेंज हो गई, आज हमने अपनी माओ को भुला दिया। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तालीम का बहुत शौक था, पढ़ना पढ़ना लिखना जानती थी और शायरा भी थी, शेर व शायरी भी कहती थी। और हजरत आयशा और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ पढ़ा लिखा करती थी। किताबत का बहुत शौक था और कहा जाता है कि 60 तकरीबन अहादीस जो है उनसे हमें मिलती हैं। रातों को कयाम करना, ये उनकी शख्सियत का एक बहुत नुमाया पहलू है। जैसे हम हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जानते हैं एज अ बिजनेस टाइकून, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी, सबसे चहेती और सबसे ज्यादा अहादीस बयान करने वाली वाइफ। और इनका कैरेक्टर कैसा था, सबसे ज्यादा रात को कयाम करने वाली और सबसे ज्यादा रोजे रखने वाली। इब्ने साद के बयान के मुताबिक वो वफात के दिन भी रोजे से थे। आखिरी उम्र में वो इतने रोजे रखती थी कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन उनका रोजा ना हो। और कहा जाता है कि जिस दिन वो अपने रफीके आला से मिली उस दिन भी वो रोजे से थी, हाफिज़े कुरान थी, बेहतरीन किरात करने वाली थी, हिजरत का 2 दफा शर्फ इनको नसीब हुआ था और इन पे कुरान की आयात नाजिल हुई थी। कौन सी, सूरह तहरीम की इब्तिदाई आयात। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ यूं करती हैं कि वो बहुत अच्छी थी, एक अजीमुल मर्तबत खातून थी जिनकी फजीलत और मकानत, जोहद और शर्फ, दीनदारी, अतात गुजारी, इफ्फत और इस्मत, जा और मंजिलत और तकवा शारी मुस्लिम है। हाफिज अबू नईम अस्फहानी रहमतुल्ला हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तस्करा नहायत दिलकश अंदाज में यूं करते हैं, बहुत ज्यादा रोजे रखने वाली, रातों को ज्यादा से ज्यादा कायम करने वाली, कुरान मजीद की वारिस और किताब अल्लाह को जमा करने वाली। इनकी फजीलत में से एक बहुत बड़ी फजीलत यह है कि जब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना आया और बहुत से हाफिज जो थे उनको शहीद कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह सब लोग शहीद हो जाएंगे तो कुरान असल हालत में नहीं महफूज रहेगा। तो कुरान का जो सही नुस्खा था वो इनके घर में इनके हवाले कर दिया गया और जब तक हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर नहीं आया ये उसकी हिफाजत करती रही। उसके बाद इनसे लेके वो कंपाइल किया गया और आज हमारे पास कुरान मजीद पहुंचा। तो ये क्या थी, कुरान मजीद की वारिस और किताबुल्लाह को जमा करने वाली खातून। इनसे 60 अहादीस जो हैं वो मरवी की जाती हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात सही कौल के मुताबिक माह शब्बान 41 या 45 हिजरी में हुई। वफात के वक्त वो रोजे से थी और वो इतने रोजे रखती थी और इतना रातों कयाम करती थी कि लोग बहुत उन्हें इस बात को जानते थे और वो मशहूर हो गई थी, रोजा रखने वाली और रातों को कयाम करने वाली। और उस वक्त मदीना के गवर्नर मरवान बिन हकम रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। तदफीन के लिए हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 2 भाई हजरत अब्दुल्ला और आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, भतीजों में से अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, सालिम और हमजा, कब्र में इन्हें उतारा गया था, इन्होंने उतारा था और इनको सुपुर्दे खाक किया गया था। वफात के वक्त इनकी उम्र एक रिवायत के मुताबिक 56 और एक के मुताबिक 60 ईयर्स थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, इसके बाद इन्होंने पूरी जिंदगी अपने हुजरे में गुजारी, कुरान की तालीम देती थी लोगों को, खवातीन को स्पेशली, खवातीन के मसाइल बयान किया करती थी, बेहतरीन तिलावत किया करती थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, हमेशा कहते हैं कि उनके दस्तरखान पे यतीम होते थे, तो कहते थे इनके हुजरा यतीमों से भरा होता था, यतीमों की कफालत करती थी, उनकी देखभाल करती थी, हमेशा यतीमों को अपने साथ रखती थी। इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इन्होंने इस बात को टेंशन बना के अपनी जिंदगी को जाया नहीं किया था, बल्कि यतीमों को बेहतरीन खिलाती थी, पिलाती थी, उनकी तालीम और तरबियत करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नसीब इनका अच्छा था, अच्छी थी हफ्सा, मोहम्मद के शोहर तो बीवी थी हफ्सा, कुतब में रिवायात हैं 60 इनकी, अहादीस की एक रावी थी हफ्सा, इबादत खुदा की वो करती मुसलसल, इबादत खुदा की वो करती मुसलसल, तहज्जुद भी हर रात पढ़ती थी हफ्सा, घड़ी आखिरी आई जब भी था रोजा, घड़ी आखिरी आई जब भी था रोजा, बहुत रोजे रखने की आदि थी हफ्सा, सवालात करती थी प्यारे नबी से, तालिबे इल्म बेहद ही करती थी हफ्सा, हमारा है ईमान अज़रुए कुरान कि हम में से हर एक की अम्मी थी हफ्सा, फजीलत ये क्या कम है इनकी उसामा के फारूक आजम की बेटी थी हफ्सा। ये थी हमारी माँ हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह सुबहान ताला से मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह सुबहान ताला हमें रोजे रखने वाला, रातों को लंबे कयाम करने वाला बना दे, हमारे दिल में कुरान रच बस जाए और हम भी अपनी माँ की तरह यतीमों की कफालत करने वाले, लोगों की रहनुमाई करने वाले बन जाएं और हम ऐसे हो जाएं कि जब हम अपनी माँ से मिलें तो वो हमें देख के कहें मेरी प्यारी बेटी मेरी राह पे चलते चलते मेरे पास आ पहुंची। अल्लाह सुबहान ताला आपसे मुझसे राजी हो, पढ़ाने में जो गलती हुई है अल्लाह उसको माफ फरमाए, उस पर मेरी पकड़ ना फरमाए। अल्लाह सुबहान ताला हमें अपनी माओं के किरदारों पे, उनके अफ़ाल और अक़वाल पे अमल करने वाला बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।